सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन, जिससे मेरे हर वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले, वो भी बिल्कुल मुफ्त। हेलो गाइस, आई एम मेघा एंड यू आर वाचिंग जीनियस मॉमी। ये है मेरे हस्बैंड। हाय। नीरज को तो आप जानते ही हैं, इनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ पहले ही वाले अपने वीडियोस में। तो गाइस, आज हम दोनों ने सोचा कि हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा एक वीडियो लेकर आएंगे स्किन केयर के ऊपर। तो हम दोनों ने बस एक छोटी सी कोशिश की है, क्योंकि अभी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, और जो हम सैलून्स में जाते हैं अपने स्किन के लिए कुछ भी फेशियल लेने या उसका ट्रीटमेंट कराने, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है। घर में भी इतना टाइम होता नहीं हमारे पास कि हम घर में किट ला के फेशियल कर सके। मतलब कभी कभी पॉसिबल है, हम कर लेते हैं, लेकिन हर बार नहीं हो पाता। तो हम लोगों ने, मतलब बच्चे भी छोटे हैं तो इतना टाइम नहीं हो पाता है हमारे पास। तो हमारे पास एक, हमने मार्केट में ऐसा देखा तो हमें ऑप्शन मिला, नाइका साइट पर एक ऑप्शन हमें मिला, जो कि एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स का साइट है। आपने ऐप देखा होगा, नाइका ऐप। तो उसी में मुझे एक ऑफर चल रहा था, होली स्पेशल ऑफर, कि जो फेस शीट मास्क होते हैं, जो चेहरे पे लगाने के लिए शीट आती है, जो कि फुल ऑन सीरम से भरी हुई होती है, उस शीट पे लिखा होता है सामने, मतलब उसके पैकेट पर, कि किस तरीके के उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, स्पेशली कौन से फ्रूट्स का सीरम उसमें यूज़ किया गया है, और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे फेस के लिए बहुत, हमारी स्किन के लिए ज़रूरी है। वो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कोरियन लोग होते हैं, वो अपनी स्किन की कैसे केयर करते हैं, उनकी स्किन कितनी शाइनी और अच्छी होती है, तो उन्हीं लोगों ने ये फेस मास्क बनाया है, और इंडियंस यहाँ पे हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, उसके काफ़ी सारे फायदे। तो मैंने बहुत सुना था, तो मेरे दिमाग में आया कि चलो हम भी यूज़ करके देखेंगे। तो आज मैंने कुछ शीट्स बुलवाई, जैसे कि मैंने बताया कि होली स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें कि एक शीट वैसे 100 रुपीज़ में मिलती है, आप उसे एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, और हमें वीक में 3 बार 3 शीट्स यूज़ करनी होती है अच्छे रिजल्ट्स के लिए, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। तो आप क्या कीजिए, पहले तो वीक में 1 शीट यूज़ करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर जैसा वो लोग बोल रहे हैं उस तरीके से हम वीक में 3 शीट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सीरम होते हैं, और हम लोग ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, हमने सुना बहुत अच्छा है इसके बारे में, लेकिन हमने सोचा कि हम सुनी हुई बातों पर क्यों ट्रस्ट करें, पहले हम लोग खुद यूज़ करेंगे, फिर मैं आपको रिव्यू दूंगी। तो जो ऑफर चल रहा है नाइका पर, वो ये है कि हमें सिर्फ 7 शीट मास्क के लिए हमें पे करना है, मीन्स 1 शीट मास्क की कीमत होती है 100 रुपीज़, इस तरह 7 की हो गई 700, लेकिन हमें 7 मास्क फ्री मिलेंगे, मतलब हमें 14 मास्क मिलेंगे, तो हमें एक ही कीमत 50 रुपीज़ पड़ी। हमने पे किया 7 के लिए और 7 हमें फ्री में मिले। तो इस तरीके से ये डील मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने 14 शीट मास्क बुलवाए हैं, और जिस जिस तरीके से मैं उसे लगाती जाऊँगी, आपको उसका जो भी एक्सपीरियंस है रिव्यू में बताते जाऊँगी। तो आज मेरे हस्बैंड और मैं यूज़ करने वाले हैं 2 शीट मास्क, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे वो 2 शीट्स मैं बता दूँ आपको, ये देख सकते हैं आप लोग, इसे ठीक तरीके से देख लीजिए। तो मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि उनकी स्किन जो है वो, उनको थोड़ी डल फील हो रही है, उन्हें लग रहा है कि थोड़ी सी डल हो रही है, तो उनको थोड़ी सी ब्राइटन करना है, और वो चाहते हैं कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हो जिस भी पैक में, वो ऐसा कोई शीट मास्क यूज़ करना चाहते थे। तो यहाँ पे जो शीट मास्क मैं उनके लिए यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, ये है अकाई बेरी प्लस प्रोमिगेनेट फॉर रीजनरेटेड यूथफुल स्किन। इसमें अकाई बेरी और प्रोमिगेनेट का यूज़ किया गया है, और ये जो कंपनी है वो क्लेम करती है कि इस वाले जो शीट मास्क में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसमें, इस सीरम में प्रेजेंट है, जो कि स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट बनाती है, हेल्दी बनाती है, और जो एजिंग प्रोसेस है उसको काफ़ी स्लो डाउन कर देती है, तो हम अपनी एज से थोड़े कम नजर आते हैं, ऐसा ये क्लेम कर रही है, जो तुम्हें ऑलरेडी दिखता हूँ। करेक्ट। तो चलिए, इस मास्क को जैसे इस पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो वैसे ही मैं इनके फेस पे अप्लाई कर देती हूँ, बाद में इन्हें कैसे फील होगा ये अपना एक्सपीरियंस खुद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम लोग भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं यूज़ कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे कट करूँगी, और दोस्तों इसको लगाने से पहले हमें क्या करना है ना, फर्स्ट स्टेप है कि अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लेंस कर लीजिए। तो इन्होंने फेस वॉश से अपने फेस को क्लीन कर लिया है, उसके बाद शीट अप्लाई करना है, 15 मिनट तक शीट को रखना है, उसके बाद शीट को निकाल देना है, और फेस को वॉश नहीं करना है, क्योंकि ये सीरम है, इसको बिल्कुल भी हमें फेस वॉश करके वेस्ट नहीं करना है। इसे आप हल्के हाथों से अपने फेस की मसाज करके इसको स्किन के अंदर आप कोशिश कीजिए कि ये पूरा स्टोर हो जाए स्किन में ही, और मोस्टली आप लोग ट्राई कीजिए कि रात में सोने से पहले ये करें, और फिर ओवरनाइट आप सो जाए, बाद में देखें कि आपको कितना अच्छा मॉर्निंग में फेस लगेगा। तो जस्ट आप ऐसे ही लगाइए, ठीक है? तो मैं आपको लगा देती हूँ, आप देख लीजिए।
देखिए गाइस, इसको मैंने कट कर लिया है और कट करके ये कैसे दिखता है अंदर से आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसको लगाती हूँ। इसको सबसे पहले हम ओपन करेंगे। देखिए ये ना मैं इनके फेस पे अच्छे से अप्लाई कर देती हूँ। आप क्लोज कर लीजिए आईज अपनी। मैंने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर दिया, आईज के पास अप्लाई नहीं करना है। अब मैं इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ देती हूँ। तो गाइस, मैंने मेरे हस्बैंड को जो शीट मास्क है वो उनके फेस पे अप्लाई कर दिया है। अब 15 मिनट बाद मैं दिखाऊंगी कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा और उनके स्किन में से उन्हें कैसे फील हो रहा है। और मैं अब अपने फेस पे लगा लेती हूँ शीट मास्क। तो देखिए मैं कौन सा वाला यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये कॉलेजन प्लस ग्रेप फ्रूट वाला जो शीट मास्क है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें कॉलेजन है। कॉलेजन जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर जिससे नहीं पता मैं बता देती हूँ कि जब हमें स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स होते हैं और पिंपल्स होने के बाद में हमारे स्किन में कुछ स्कार्स गड्ढे और निशान छूट जाते हैं, स्किन थोड़ी रफ हो जाती है। स्पेशली पिंपल होने के बाद क्या होता है कि गड्ढे गड्ढे से स्किन में बन जाते हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ था कि मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ गए थे, उसके बाद में मेरी स्किन थोड़ी रफ हो गई, ऐसे गड्ढे गड्ढे से कहीं कहीं पर बन गए हैं स्किन में। तो मेरी स्किन को कॉलेजन बहुत ज़्यादा सूट करेगा, जो कॉलेजन वाला शीट मास्क होगा। क्या होगा कि स्किन की रफनेस इससे ठीक होती है, गड्ढों को जो पोर्स होते हैं उसको श्रिंक होने में मदद मिलती है, गड्ढे जो हैं वो छोटे होते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा ऐसा मुझे लगता है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ ये वाला शीट मास्क। चलिए इसे अप्लाई कर देते हैं। इसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ। पहले ऐसे अपने नोज में इसको करिए अटैच, फिर इस तरीके से। और हमें आंखें बचानी हैं, आंखों में नहीं जाना चाहिए। तो गाइस जैसे ये बहुत ज़्यादा वाटरी है, बहुत ज़्यादा इसमें सिरम है, इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। मेरे हस्बैंड ने मदद की है और देखिए सिरम है जो मेरे नेक पे आ रहा है। तो मैं इसको हल्का हल्का मसाज कर लूँगी, बिल्कुल इसे वेस्ट नहीं करेंगे। मैं इसे अपने हाथों में भी मसाज कर लेती हूँ और अब मैं इसे 15 to 20 मिनट्स के लिए छोड़ देती हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि 15 मिनट पहले हम लोगों ने ये शीट मास्क अपने फेस पे अप्लाई किया था, तो 15 to 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसका फर्स्ट प्रोसेस था फेस को क्लीन करना, दूसरा था शीट को अप्लाई करना, और इसका थर्ड प्रोसेस है इसको निकाल देना। तो चलिए हम इसे आराम से पील करते हैं। आराम से निकाल लीजिए इसको। तो हम दोनों अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपको कैसे फील हुआ। जब मुझे तो ये इसकी जो स्मेल थी वो नॉर्मल लगी, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं लगी। और जब तक मैंने इसको लगा के रखा मास्क, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडक मिली, बहुत ज़्यादा मतलब चेहरे को बहुत सुकून मिला। ऐसा लग रहा था कि मतलब ये लगा रहे, कंटिन्यू लगा रहे। ठीक है। और उसके बाद में अभी मुझे एकदम सॉफ्टनेस फील आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बस इसको मसाज करता रहूं, मसाज करता रहूं। हाँ, तो इसका जो फोर्थ स्टेप वो यही है कि इसको जो सीरम हमारे फेस पे एक्स्ट्रा है तो हमको फेस को वॉश नहीं करना है। पील करने के बाद इसको मसाज करना, तो ऐसे हल्के हाथों से हमें मसाज करते रहना है। ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से हमको इसको स्किन के अंदर ये अच्छी तरीके से चला जाए तो हमें इसका ध्यान रखना। और ऐसे इसको स्किन के अंदर ऐसे राउंड राउंड करके फेस पे हल्का हल्का सा मसाज दीजिए, हल्के हाथों से एकदम। और इस तरीके से इसको स्किन के अंदर हमें अच्छी तरीके से स्टोर कर लेना है। इसके जो भी न्यूट्रिशन इसकी प्रॉपर्टीज है उसको स्किन में बिल्कुल स्टोर कीजिए। और जैसा मेरे हस्बैंड ने बताया, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। इसकी स्मेल जो थी वो एकदम स्मूथ थी, हमें ऐसा इरिटेटिंग नहीं लगी। और क्योंकि इसकी जो शीट है वो बहुत पतली है, तो जब आप फेस पे अप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा ध्यान से अप्लाई करें, नहीं तो ये क्या होगा कि फट सकती है। इसका जो सिरम है उसको आप आईज में और मुंह के अंदर ना जाने दें, क्योंकि ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। बच्चों से इसे दूर रखिए। और इस शीट मास्क का ऐसा है कि जो इसकी मैन्युफैक्चर डेट होती है उसे ये 3 ईयर्स तक चल सकता है। मतलब अगर इस मंथ का मैन्युफैक्चर है तो आप आराम से इसे 3 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। हमें फ्रिज वगैरह में इसे नहीं रखना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर आप इसे अपने
जो भी कॉस्मेटिक्स रखते हैं उसे ऐसे ही रख लीजिए, नॉर्मल अलमारी में या कहीं पे भी आप रख सकते हैं स्टोर करके। और स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितनी ज़रूरत है उतना आप ऑर्डर कीजिए, उतना बुलवाइए और यूज़ कीजिए। तो फर्स्ट यूज़ में तो हमें काफ़ी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड और सॉफ्ट लग रही है और सप्पल लग रही है। तो चीज़ का एक बार यूज़ करते हैं तो हमें उसका बहुत 100% रिजल्ट एक ही दिन में नहीं मिलता है, ये तो सब जानते हैं। तो किसी भी चीज़ को हम थोड़ा सा लंबा टाइम तक यूज़ करें, एटलीस्ट 2-3 मंथ तक यूज़ करके देखें। वीक में 2-3 बार हम इसको यूज़ करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमें इसका आफ्टर 2-3 मंथ क्या रिजल्ट मिलता है। और जो रिजल्ट अगर हमें मिलेगा, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे। पर एक दिन के हिसाब से मुझे स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सप्पल लग रही है, हाइड्रेटेड लग रही है, और सेम इनका भी एक्सपीरियंस ऐसा ही है। तो अब हमें फेस को वॉश नहीं करना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है और हमें सो जाना है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।